What does the grass say? Hello friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. सबसे पहले कल के एनालिसिस का रिव्यू करते हैं। कल का वीडियो आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये कुछ आज का सिनेरियो इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का ये चार्ट है। निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ, एक्सट्रीम गैप अप ओपन, ब्रेकआउट लेवल और सेकेंड टारगेट जो मार्क किए थे उस रेंज के भी ऊपर ओपन हुआ और पूरे दिन ऊपरी लेवल पे एक साइडवेज पैटर्न में ट्रेड कर रहा था। तो आज जैसे हमने प्री मार्केट प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं बनता। तो कल क्या ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। ये निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट है। कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकडाउन देने के बाद निफ्टी तेजी से नीचे आया था तो इसको हो सके तो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी, लेकिन गैप अप ओपन एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ओपन हुआ और जो प्रीवियस फॉल ऑल टाइम हाई से फॉल आया था निफ्टी इंडेक्स में उसी लेवल के आसपास आकर निफ्टी ने आज रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये जो हर्डल है ऑल टाइम हाई लेवल है 14,753, इसके ऊपर अभी सस्टेन करता है तो और आगे की मूव देखने को मिलेगी। वी शेप रिकवरी का भी कम टाइम देखने को मिलती है। ऑलवेज अगर रिकवरी आनी है और कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम देखना है तो यहाँ पर निफ्टी को कुछ इस तरह से पैटर्न बनाना होगा। ये डाउन ट्रेंड के बाद वी शेप रिकवरी काफ़ी कम टाइम देखने को मिलती है। डाउन ट्रेंड के बाद जब डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनेगा, राइजिंग बॉटम्स बनेंगे, तभी हमें अपसाइड मूव कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। सबसे पहले तो इसे इस हर्डल को पार करना होगा। ऑल टाइम हाई के आसपास से तेजी से निफ्टी इंडेक्स गिरा था 10 दिन पहले, तो ये हर्डल है यहाँ पर एक, इसके ऊपर अभी सस्टेन करता है तो और तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। अदरवाइज फिर से यह ट्रेंड लाइन जो है ये फिर से सपोर्ट का काम कर सकती है और उसके बाद ये 20 EMA सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अराउंड अभी ऑल टाइम हाई के पास है निफ्टी इंडेक्स, ये अगर इसके ऊपर चला जाता है सस्टेन करता है तो और निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि कैंडल अगर देखें प्रीवियस कैंडल के कंपेयर में काफ़ी ये छोटा कैंडल बना है, तो अभी धीरे धीरे हो सकता है बुल्स का कंट्रोल यहाँ पर हमें कम दिखाई दे। आज के लिए जैसे कि हमने देखा काफ़ी गैप अप ओपन हुआ था। अगर कल भी गैप अप ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करें, जब तक ब्रेकआउट लेवल को फिर से दोबारा ब्रेक ना करे तब तक पोजीशन यहाँ पर क्रिएट करना रिस्की साबित हो सकता है। तो कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं देखते हैं। 60 मिनट का ये चार्ट है, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट जो आर का ये कैंडल है इसके हाई और लो के रेंज के बीच में ही पूरे दिन ये निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा था, ना बुल्स जीत पा रहे थे ना बेयर्स जीत पा रहे थे, तो साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था। तो कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल आज की, जो कि अराउंड 14,719 के पास है, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल हो सकता है। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,740 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा जस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर यानी 14,766, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और ब्रेकडाउन लेवल होगा आज का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल जो कि अराउंड 14,528 के पास है, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे सस्टेन करता है तो इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,501, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,473, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स। बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं क्या लेवल्स हो सकती है। बैंक निफ्टी का भी अगर आर्ली चार्ट देखें तो निफ्टी जैसा ही है, साइडवेज पैटर्न है। फर्स्ट आर का ये जो कैंडल है उसी के हाई और लो के रेंज के बीच में ये ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न हम यूज़ करेंगे। हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल आज का अराउंड 34,509 के पास है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बनाएंगे। तभी फर्स्ट टारगेट होगा 34,652 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 34,783, ये सेकेंड टारगेट होगा। और ब्रेकडाउन लेवल होगा आज का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल अराउंड 33,775, ये ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 33,622 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड
33,490 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए इंट्राडे लेवल्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।